माय का शब्द कितना छोटा है, जाने किसने बनाया है। शब्द छोटा जरूर है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। वास्तव में एक लड़की स्वयं भी मायके के मायने तब तक नहीं जान पाती जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वो पराई नहीं हो जाती। और पराई होने की यह पीर ही उसे कभी माँ बाप से पराया नहीं होने देती। मायका तो लड़की के दिल का एक टुकड़ा होता है जो कभी उससे अलग नहीं हो सकता। पीहर का द्वार, पीहर की हवा, पीहर की खुशबू उसके अस्तित्व का एक हिस्सा होती है। वह आंगन जहाँ खेली कूदी और बड़ी हुई, वह आंगन जहाँ से वो विदा हुई, उस आंगन में उसकी आत्मा बसती है। पिता की लाडली और माँ की सहेली, भाई की दोस्त और छोटी बहन की माँ, कितने रिश्ते होते हैं मायके के। मैं भी जब चाहूँ अपने मायके फ़ोन पर बातें कर सकती हूँ, पर सच कहूँ जो आनंद उनकी चिट्ठियों में आता था वो फ़ोन पर नहीं आता। आज भी माँ पापा की लिखी चिट्ठियाँ मेरे पास हैं। जब उनकी बहुत याद सताती है तो उनकी चिट्ठियाँ पढ़ती हूँ। उस अंतर्देशी में मानो उनका चेहरा उतर आता है। हर शब्द हर वाक्य के साथ चेहरे के बदलते भाव मुझे दिखाई देते हैं। चिट्ठियाँ जैसे जिंदा हो जाती हैं और चिट्ठियों की खुशबू से मेरा मन तर बतर हो जाता है। आज स्कूल से लौटी तो शरीर टूट रहा था। ठंड में तो यह शहर बहुत ही ठंडा था, बस बर्फ गिरने की कमी थी। इतनी गलन थी कि हाथ को हाथ महसूस नहीं हो रहा था। घर के भीतर आकर पता चला कि कोई पार्सल आया है इंडियन पोस्टल से। अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कहां से आया होगा। बहुत थकी थी इसलिए सीधे आराम करने चली गई अपने कमरे में। शाम को जब नींद खुली तो जाने क्यों माँ पापा की यादों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि बिन बादल बरसात कैसे हो रही है, इस ठंड ने निकम्मा बना दिया था। काम की गति धीमी हो गई थी और ठंड तेज। किसी तरह काम खत्म हुआ तो देखा रात के 11 बज रहे थे। मन कहा चलो भाई अगले दिन की तैयारी करें और सोने चलते हैं। खाना खाने का आज कोई मूड नहीं था। गीत सुनने का बहुत शौक था मुझे, तो सोचा कुछ पुराने गीत क्यों ना सुना जाए। फिर हीटर के पास चेयर पर पैर जमा कर मैं बैठ गई और हवा में गूंजती स्वर लहरों के साथ मन पीहर की तरफ उड़ चला। माई रे मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की, माई रे कोई दुख नहीं है मुझे, सब तो बढ़िया है, पति बच्चा मेरा अपना संसार। फिर क्यों मन कलपता है, क्यों याद आती है माँ पापा के। अपनी सोच के सागर में डूबी हुई थी तभी मेरी नाक में एक जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ। यह तो बेसन के लड्डू की खुशबू है और तिल के भी लड्डू हैं। मन में एक लहर से उठी और मैं समझ गई कि वह पार्सल जो दोपहर में आया था उसमें क्या था और वो कहाँ से आया था। फिर क्या था, किसी चपल बालिका की तरह मैं उस पार्सल को बिना एक पल भी गंवाए खोलने लगी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। गत्ते के डिब्बे के अंदर प्लास्टिक के 4 डिब्बे थे। उन डिब्बों में सलोनी, खुरमी, बेसन के लड्डू और तिल के लड्डू भरे हुए थे। मेरा मन अंदर तक भीग गया। पिछले 2 सालों से माँ पापा से नहीं मिल पाई। 1 साल व्यस्तता में कट गया और दूसरा कोरोना से लड़ रहा है। मेरी आंखें भर भर आ रही थी। भरी आंखों से मैंने एक लड्डू को जैसे ही मुंह में रखा तो ऐसा लगा मानो माँ ने मुझे अपने अंग में समेट लिया हो। सलोनी का टुकड़ा मुंह में रखा तो ऐसा लगा जैसा कि मानो पापा की गले लगी हुई हूँ। क्या कोई मानेगा कि मैं रोते हुए मिठाइयाँ खा रही थी। मन जाने कितनी यादों से घिर गया था। वह सारे पल याद आ गए जब घर में मिठाइयाँ बनती थी, होली, दीपावली, राखी। मम्मी पकवान और मिठाइयाँ बनाकर राशन की अलमारी में रख ताला लगा दिया करती थी।
हम भाई बहन चोरी चुपके खुरमा, सलोनी, गुजिया और कुकीज पर हाथ साफ किया करते थे। मम्मी सब जानती थी लेकिन फिर भी अनजान बनी रहती थी। हमारे बचपन की जाने कितनी यादें और कहानियां इन मिठाइयों के इर्द गिर्द बुनी हुई हैं। देर रात तक जब मम्मी मिठाइयां बनाती थी तो हम भाई बहन कभी मदद करते, कभी कुछ पाने की मंशा से आसपास बने रहते। नमकीन बनाने का काम पापा के सिर पर होता था क्योंकि वह नमकीन बनाने में एक्सपर्ट जो थे। पापा को मना कर नमकीन हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं था। मेरे भाई बहन अक्सर मुझे चिढ़ाते थे कि तुम पापा की चमची हो, चमचागिरी करती हो। मैं उनकी बातें सुनकर इतराती थी। आज घर से आई मिठाइयों ने मुझे फिर अपने बचपन की ओर धकेल दिया। इन मिठाइयों ने न केवल मेरे जीभ को बल्कि मेरे मन में भी मिठास घोल दी थी। अभी तक तो मैं खाना भी नहीं खा रही थी और जाने कैसे मुझे इतनी भूख लग गई। भावुक होकर मैंने घर फोन लगाया पर यह सोच कर कि सब सो गए होंगे, बिल जाते ही मैंने फ़ोन काट दिया। दूसरे ही मिनट फ़ोन की घंटी बजी। मम्मी का फ़ोन था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उधर से पहला वाक्य था, क्यों मिठाई खा रही हो ना, मैं समझ गई थी तुम ही होगी। फिर आगे मम्मी जाने क्या क्या कहती रही, कैसी हो, सब कैसा चल रहा है, घर में पति और बच्चे कैसे हैं। पर मैं तो जैसे किसी और दुनिया में थी। मैं अपने मायके के आंगन में खड़ी थी, बाहें पसारे माँ के अंग में समा जाना चाहती थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे और मन तृप्त था। बात केवल मिठाई की नहीं थी, मन के तारों की थी जो मायके के साथ जुड़े हुए थे, माँ और पापा के साथ जुड़े हुए थे और मेरे मन के तार झंकृत हो रहे थे। ये जायके से तृप्त मन मायके की बदौलत संभव है।